Morning students, today we are doing our lesson 2 from the subject E.V.S. and this is for class 4th Hindi medium and the name of chapter 2 is सूंदर फूल। खाली स्थान भरो। क, पतला मध्य स्तंभ जैसा फूल का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। जो पतला होता है, बीच में होता है, स्तंभ जैसा फूल का एक हिस्सा, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ख, अंडाशय में कार्पेल होते हैं जो फल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं? कार्पेल होते हैं जो फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ग, स्टेमन के छोर पर पीले रंग का पाउडर होता है जिसे पराग कहते हैं। घ, फूल मीठे रस का निर्माण करते हैं जिसे मधु कहते हैं। ण, वृक्ष और काष्ठ तने वाले पौधे एक ही मुख्य तने के साथ विकसित होते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाओ। फूल वाले पौधों की जीवन गाथा आरंभ होती है, किससे होती है? बीज से आरंभ होती है। फूल वाले पौधों की जीवन गाथा आरंभ होती है बीज से। पुष्प का मादा भाग कहलाता है अंड एवं पुष्प का नर भाग कहलाता है पराग कोश। पुष्प में दोनों भाग होते हैं, मादा भाग भी होता है, नर भाग भी होता है। नर भाग को कहते हैं परागकोश और मादा भाग को कहते हैं अंड। फल क्वेश्चंस, फूल क्या होते हैं? उत्तर, एक पौधे के बीज असर वाला हिस्सा जिसमें प्रजनन अंग शामिल होते हैं जो आमतौर पर चमकीले रंग के कोरोला और एक हरे रंग के कैलिक्स से घिरे होते हैं, उन्हें फूल कहा जाता है। पौधे का एक ऐसा बीचों बीच स्थित भाग जो कि प्रजनन अंग होता है, जहाँ पर प्रजनन होता है, आमतौर पर चमकीले रंग के होते हैं और कैलिक्स से घिरे होते हैं, उन्हें फूल कहा जाता है। दो फूलों के नाम लिखिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। उत्तर, गुलाब, जास्मिन एंड सूरजमुखी। बाह्य दल पुंज क्या होते हैं? उत्तर, आमतौर पर एक फूल का सिपल्स जो एक पंखुड़ी का निर्माण करता है, आमतौर पर एक फूल का सिपल्स जो एक पंखुड़ी का निर्माण करता है, जो पंखुड़ियों को घेरता है और उनकी कली में एक फूल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। एक फूल को आपने देखा होगा, 4-5 साइड में एक चीज़ उसे घेरे हुए रखती है, हरे कलर की या फिर वो और भी किसी कलर की हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। प्रश्न, वर्तिकाग्र का क्या कार्य होता है? उत्तर, यह कार्पल का सबसे ऊपर वाला फुला हुआ भाग होता है। इसके चिपचिपा होने के कारण परागकण इस पर चिपक जाते हैं। जो वर्तिकाग्र होता है सबसे टॉप मोस्ट ऊपर का हिस्सा होता है और चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से परागकण आके इसके ऊपर चिपक जाते हैं। गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बीजों का निर्माण होता है। यही से गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है और अंततः बीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों के संरक्षण के कुछ उपाय लिखिए। कैसे पौधों को बचाया जा सकता है? उत्तर, हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। जो भी इन्हें काटने का प्रयास करे उस पर जुर्माना लगाए एवं सजा दे। वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा जानवरों को लेकर नहीं जाना चाहिए वनों में, नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे खाएंगे। थर्ड, वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जलकर नष्ट हो जाते हैं। हम सभी न्यूज़ में देखते हैं कि बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है प्रतिवर्ष। वनों की उपयोगिता से सभी लोगों को जागरूक करें ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ों को बचाने के लिए कार्य कर रहे संगठनों से जुड़ने के द्वारा हमें अपनी तरफ से कुछ प्रभावकारी प्रयास करने चाहिए।